हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी बज रहा है रात को 11। ओह माय गॉड, सो अभी हम लोग निकले हैं खाटू श्याम जाने के लिए। सो गाइस, आप लोगों ने सभी ने सुना ही होगा खाटू श्याम। तो अभी हम लोग भी आज मौका मिल गया खाटू श्याम जाने का, तो भैया ने बोला आज हम लोग खाटू श्याम जाएंगे। तो रात को 11 बजे हम लोग रेडी होके निकल गए हैं। अच्छा, तो गाइस अभी हम लोग को यहाँ से खाटू श्याम जाने के लिए लगेगा पूरा 2 घंटा। सो भैया अभी करने वाले हैं 2 घंटे के ड्राइव। ठीक है। सो गाइस, हम लोगों का बिना प्लान आज प्लान बन गया। तो बुलाते हैं भगवान जी, तो जाना ही पड़ता है चाहे रात हो या दिन हो। सो अभी हम लोगों को भी रात में बुलाया तो जाना ही पड़ेगा, जाना तो बनता है। मेरे को जाना पड़ेगा। सो गाइस, क्या आप सब ने खाटू श्याम का दर्शन किया हो तो कमेंट करके बताना। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं सुशीला दीदी, भैया और यशु के साथ, यशु के पापा, यशु के मामा और यशु के साथ। तो अभी हम लोगों को लेके गया है यशु के पापा ने। सो मैंने अभी रील्स देख के सुना था, जिसने आपको खाटू से हम लेके गया है उसको तहे दिल से शुक्रिया करना। समझ रहे हो आप, क्योंकि हर कोई लेके नहीं जाता है करके। तो दीदी और भैया को बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हम लोगों को लेके गया। हम लोगों को तो पॉसिबल ही नहीं था यहाँ से जाना, क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं है रास्ता है। हम लोगों ने सुना था यहाँ से ट्रेन से जाना पड़ता है, तो भैया ने लेके गया। बहुत 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 शुक्रिया भैया और दीदी को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गाइस, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, आई लव खाटू श्याम जी। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल जाना होगा। अभी गाड़ी पार्क करके हम लोग आ गए यहाँ पे। देख सकते हो वीडियोस बनाने के लिए कितना अच्छा अच्छा स्टेज बना के रखा है। तो यहाँ से अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा पैदल। यहाँ से भी करीब 10 से 15 मिनट लगेगा पैदल जाने में। सो यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों का ग्रुप अर्चिल और यशु सो गया है, और दोनों पापा ने गोदी में लेके रखा है, और मैं वीडियो बना रही हूँ। दीदी देख रही है वहाँ पे वीडियो कैसे बन रहा है। तो गाइस, अगर हम लोग जल्दी से दर्शन करके आएंगे तो फिर हम लोग भी बनाएंगे यहाँ पे वीडियोस। सो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। देख सकते हो रात के 12-1 बजे इतना भीड़ होता है खाटू श्याम में। तो सोचो दिन और सुबह शाम में कितना ज्यादा भीड़ होता होगा। गाइस, रात के 1 बज गए हैं, तो अभी इतना ठंडा हो रहा है, मेरा हाथ ही शिवर करने लग गया है। अब वीडियो भी नहीं बना सकते। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं शायद तो देख सकते हो यहाँ पे ये आया सबसे बड़ा गेट, जो मेन गेट है खाटू श्याम का। अभी हम लोग पहुँच चुके खाटू श्याम का गेट। तो यहाँ से अब दर्शन करने के लिए होगा शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, अभी हम लोग कुंड के तरफ आ चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे डुबकी तो नहीं लगाया क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड था, तो पानी से ही हम लोगों ने वो किया। तो यहाँ पे देख सकते हो दीदी ने भी डुबकी लगा लिया है। तो अब डुबकी तो नहीं, ऐसे पानी के छीटा से पूरा वो शरीर को भिगा दिया है। तो अभी हम लोगों ने कर लिया है कुंड का भी दर्शन। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर। सो गाइस, यहाँ से लिया हम लोगों ने प्रसाद, फिर हम लोग गए खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए। यहाँ से 2 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए। सो गाइस, वेरी एक्साइटेड, बहुत बढ़िया। सो गाइस, अभी हम लोगों ने कर लिया श्याम जी का दर्शन, उसके बाद हम लोग बाहर निकल के चाय पिए, फिर यहाँ पे सत्संग हो रहा था, तो सत्संग में बैठे 1 घंटा 1 घंटा, फिर हम लोग आ गए सीधा घर, क्योंकि सुबह का बज रहा है 5। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट घर। सो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।